नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बायस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। धनबाद नगर निगम में पीएम आवास योजना शहरी का लाभ देने में अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। वार्ड संख्या 18 के आम बगान क्षेत्र निवासी चिरामन राय ने नगर आयुक्त से गुहार लगाते हुए पत्र लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ रेखा दास और निर्मला दास को उनकी रैयती जमीन पे गलत तरीके से दिया गया है। उसने उक्त जमीन का पावर ऑफ अटर्नी 2019 में ही राजा खान को दे दिया था। पिछले दिनों अंचलाधिकारी ने जमीन मापी के बाद फैसला उसके हक में दिया है। उन्होंने गलत तरीके से दूसरे को उसकी जमीन पे पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने वाले पदाधिकारियों और लाभुक पे कार्रवाई की मांग की है। वहीं नगर आयुक्त ने पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। तो ये पूरा मामला धनबाद का है, जहां आपको बता दें कि पीएम आवास योजना शहरी का लाभ देने में अनियमितता का मामला सामने आया है, जहां वार्ड संख्या 18 के आम बगान क्षेत्र निवासी चिरामन राय ने नगर आयुक्त से गुहार लगाया है और गुहार लगाते हुए एक पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ रेखा दास और निर्मला दास को उनकी रैयती जमीन पे गलत तरीके से दिया गया है। उसने उस जमीन का पावर ऑफ अटर्नी साल 2019 में ही राजा खान को दे दिया था। पिछले दिनों अंचलाधिकारी ने जमीन मापी के बाद फैसला उसके हक में दिया है। उन्होंने गलत तरीके से दूसरों को उसके जमीन पे पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने वाले पदाधिकारियों और लाभुक पे कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं नगर आयुक्त ने पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। कि ये जमीन राय खाता की है। 2019 में मेरे पास में इस जमीन का रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी है। अंचल को मैंने 2020 में नापी का आवेदन दिया था। अंचल अधिकारी के द्वारा मेरी ज़मीन को चिन्हित किया गया। चिन्हित करने के बाद 6 व्यक्तियों का नाम आया उस ज़मीन पे। 6 व्यक्तियों का नाम में एक प्रवीण दास हैं, निरंजन दास हैं, रामचंद्र तिवारी हैं, राहुल दास है और 2 महिला है। एक महिला का नाम निर्मला दास है, एक महिला का नाम रेखा दास है। ये 2 महिला को नगर निगम के द्वारा पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया। तो हमने 30 तारीख को आवेदन नगर आयुक्त को किया था कि मेरी ज़मीन पे अंचल ने मुझे जिस ज़मीन के बारे में बताया, अंचल जो ज़मीन चिन्हित करता है मेरा, उस ज़मीन पे किस तरीके से आप लोग जो है अधिकारियों की मिलीभगत से इस ज़मीन पे लोन दिया गया है। परेशानी है मेरा कि जो दास टोला में जो मेरे रहती ज़मीन है वो अवैध कब्जा किए हुए है। क्या नाम है उसका? वो उसमें पीएम आवास भी बना हुआ है 2 निर्मला दास और रेखा दास, वही लोग बनाया है। हाँ, तो जिस समय बन रहा था उस समय आपने क्यों नहीं रोका उस समय? नहीं तो उस समय हम लोग को जानकारी नहीं था, बाद में किया तो देखे कि जो बन गया पूरा। लोगों ने अपना दस्तावेज देते हैं और चूंकि पीएम आवास रहती जमीन पर होता है जी, तो उस जमीन को रैयत हो गया। हो सकता है कि पार्टीशन का मुद्दा होगा या बंटवारा का मुद्दा होगा, तो हम लोग पहला कब देखते हैं कि उस रैयती जमीन पर कब्जा किन का। जी सर, जैसे हम जिस घर में रहे हैं और रैयत प्लॉट है तो हम उसको आधार बनाते हैं, क्योंकि खाता प्लॉट बहुत व्यापक होता है। हम अंचल अधिकारी का अगर रिपोर्ट दिए अंचल अधिकारी तो हो सकता है नापी का भी मामला हो सकता है, तो हम लोग इसकी जाँच करा लेंगे। अगर गलत तरीके से लेने का प्रयास किया गया है या लिया गया होगा तो नहीं, देखिए रैयती प्लॉट है, लाभुक तो है। हाँ, दोनों तरफ से लाभुक भी है और दूसरा रैयत भी है। और रैयत भी है, लेकिन रैयत दूसरा दावा कर रहा है कि वो मेरे जमीन पर गलत तरीके से ले लिया है। ये सिविल सूट का मामला है, हम पहले कब्जा देखेंगे जी। तो हो सकता है कि दोनों भाई हो, दोनों गुतिया हो, पार्टीशन का भी मामला हो, अगर उसका ऐसा कोई मामला आएगा। आवेदक राय है और लाभुक जो है वो दास है। हाँ ठीक है, राय दास हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंचल अधिकारी उसको चिन्हित कर देंगे तो हम लोग उसका।